आईबीपीएस क्लार्क सीआरपी 12 का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है आईबीपीएस की तरफ से। 30 जून को एडवर्टाइजमेंट निकला है और 1 जुलाई से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। आज हम जानेंगे इस रिक्रूटमेंट का क्या क्राइटेरिया है और इसका सिलेक्शन जो प्रोसेस है, दोनों पार्ट प्रिलिमिनरी और मेन, वो डिटेल्स हम आज का वीडियो में जानेंगे। सो ये है नोटिफिकेशन आईबीपीएस क्लर्क का, और जो पार्टिसिपेटिंग बैंक है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कनाडा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और जो इसका जो टाइम टेबल है आईपीएस क्लर्क का, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और जारी रहेगा 21 जुलाई 2022। पेमेंट वही डेट है 21 जुलाई 2022। और जो प्री एग्ज़ाम का जो ट्रेनिंग होता है ना, उसका कॉल लेटर अगस्त पे मिलेगा और प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग अगस्त में हो जाएगा, और कॉल लेटर फॉर प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम अगस्त पे मिलेगा, और ऑनलाइन एग्ज़ाम सितंबर पे हो सकता है, और रिजल्ट सितंबर अक्टूबर पे मिलेगा। उसके बाद मेन एग्ज़ाम का कॉल लेटर मिलेगा और ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर मेन अक्टूबर पे हो सकता है, और जो अलॉटमेंट होगा फाइनल प्रोविजनल अलॉटमेंट वो अप्रैल 2023 पे हो जाएगा। अब क्या क्राइटेरिया है, अब जो एज का क्राइटेरिया है वो है मिनिमम जो एज क्राइटेरिया है वो है 20 इयर्स, और मैक्सिमम जो क्राइटेरिया है 28 इयर्स, और जो रिजर्वेशन कैंडिडेट है उनके लिए वो रिलैक्सेशन है। अब क्वालिफिकेशन जो है एनी डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनी डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके साथ जो लोकल लैंग्वेज होता है स्टेट का और यूटी का, वो प्रोफिशिएंसी इन ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, लोकल जो कैंडिडेट का स्टेट व यूटी वो लोकल लैंग्वेज पे दखल होना चाहिए। अब जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो क्या है, वो है ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है टोटली, और ऑनलाइन एग्ज़ाम का दोनों जो पार्ट है, पहला पार्ट जो है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम और दूसरा जो पार्ट है मेन एग्ज़ाम, कोई इंटरव्यू नहीं है। और प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम स्ट्रक्चर है, पैटर्न है, वो है 3 पेपर है, वो है इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी। जो इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, और रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, कुल मिला के 100 नंबर और 100 मार्क्स, और ड्यूरेशन जो है 20 20 20, कुल मिला के टाइम जो है 60 मिनट यानी 1 घंटा। मेन एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो है, पेपर है जनरल और फिनेंशियल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, कुल मिला के 200 मार्क्स, और क्वेश्चन है 190, और ड्यूरेशन जो है टोटल कुल मिला के 160 मिनट्स, ये है ड्यूरेशन। सो ये था प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम और मेन जो एग्ज़ाम है उनका एग्ज़ाम स्ट्रक्चर। सो ओके व्यूअर्स, ये अब जान चुका है आईबीपीएस क्लर्क का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, और जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, अभी
एप्लीकेशन जारी है। सो आईपीएस क्लर्क का जो एस्पिरेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं इसी के अंदर। अगर ये इन्फॉर्मेशन वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इसी ही तरह गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड हर नोटिफिकेशन हमारा चैनल पे अपलोड होता है। सो अगर सब्सक्राइब करके रखिएगा तो ज़रूर आपको पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप देख सकते हैं। सो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ कीप वेटिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो।